इतिहास चल रहा था 2 फरवरी सन 1967, दूसरा पेज का मध्यांत। बात चल रही थी, अभी बाप बच्चों को समझाते रहते हैं कि पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी पहले गुड मॉर्निंग करके फिर बच्चों को शिक्षा देते हैं। क्या अव्यक्त बाप दादा या ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी के द्वारा क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग करते हैं या कुछ और करते हैं? क्या करते हैं? गुड नाइट करते हैं। फिर शिक्षा देते हैं? नहीं। लेकिन बाप पहले बच्चों के सामने आकर के क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग करते हैं, फिर शिक्षा देते हैं। कौन से बच्चों को? शूद्रों को? शूद्रों को नहीं, शूद्रों को पहले ब्राह्मण बनाते हैं ब्रह्मा के द्वारा, फिर ब्राह्मणों को बैठ शिक्षा देते हैं, और शिक्षा देने से पहले बच्चों से आकर के गुड मॉर्निंग करते हैं। कब करते हैं गुड मॉर्निंग? कब करते हैं? मॉर्निंग में करते हैं। कब करते हैं? टाइम है कुछ है? संगम में है गुड मॉर्निंग का भी कोई टाइम खास है क्या? अमृत वेला में, अमृत वेला, अमृत वेला का भी कोई खास टाइम है? नहीं, 1 बजे है। 1 बजे, 1 बजे, 1 बजे से पहले गुड मॉर्निंग नहीं होती? बाप विदेशी बन के आए हैं, रात के 12 बजे जब बाप आते हैं तो बच्चों से पहले गुड मॉर्निंग करते हैं। क्या सुहाना सवेरा सतयुग आ गया, इसकी 10 साल पहले घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी? 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जावेगी। तो कहाँ हो गई स्थापना? कहाँ आया गुड मॉर्निंग? सत्यगुरु भी सवेरा आया कहीं 10 साल के बाद? 76 में कहीं नहीं आया है? अरे पहले तो बुद्धि में आएगा, सवेरा कहाँ आएगा? पहले तो तीरी पे बहस चलाता हूँ। तीरी माना हथेली, हथेली माना बुद्ध रूपी हथेली में, तुम्हारी बुद्ध रूपी हथेली में आकर के सतगुरु रूपी सवेरे की सौगात देता हूँ। एक हाथ में तीरी में बहस्त और दूसरे हाथ में हाथ पसार देता हूँ। लाओ, क्या लाओ? तन मन धन समय संपर्क संबंध सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ तो मैं तुम्हें विश्व की बादशाही का सवेरा दे देता हूं। फिर दिया किसी को है? हाँ जी, तो हमें भी दे दो सतयुग रूपी सवेरा। बाप आकर के बुद्ध रूपी हथेली में देते हैं। माने कोई नंबरवार बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ये बैठता है, एडवांस नॉलेज में आने से ही बैठता है कि अब हमें जो पाना था सो पा लिया। तो बाप पहले गुड मॉर्निंग करते हैं, फिर बच्चों को शिक्षा देते हैं। शिक्षा देते हैं पहले पहले बाप की याद में बैठो, चलते फिरते बाप को याद करो। सिर्फ बैठ के याद नहीं करो, क्या कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए बाप को याद करो। क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है। किस बात का बोझा? अच्छे बुरे कर्म किए हैं ना,
तो जो पाप कर्म किए हैं कर्म इंद्रियों से उनका बोझा बहुत है। सीढ़ी उतरते उतरते तुमने 84 जन्म लिए, 84 जन्मों में भी सीढ़ी उतरे, ऐसे नहीं 63 जन्म में ही उतरते। जो पहले पहले 21 जन्म है उनमें भी सीढ़ी उतरे, अभी फिर एक ही जन्म है चरती कला का, 84 जन्म उतरती कला के और एक जन्म है चरती कला का। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी और ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, रखा तो जाता है आगे नंबर में, बैठते भी हैं आगे आगे। तलहटी में जब वाणी चलती है तो कौन आगे आगे बैठते हैं? दीदी दादी दादा सब आगे आगे बैठ जाते हैं। तो बोला आगे नंबर में रखा तो जाता है परंतु वो याद में तीखे नहीं है। क्यों तीखे नहीं है? याद भी तब तीखी होगी जितना बुद्धि में गहरा ज्ञान बैठा होगा। ज्ञान में कमजोरी होगी, पहचान में कमजोरी होगी, ज्ञान माने ज्ञानकारी, तो याद अच्छी तरह से नहीं आवेगी। और जिनकी बुद्धि में बाप का बाप की पहचान ही न बैठी हो तो उनको बाप की याद कैसे आवेगी? भले आगे आगे बैठ जाते परंतु वो पावर नहीं मिल सकती। ज्ञान में तीखापन अलग बात और याद में तीखा होना अलग बात। याद की यात्रा जैसे है ही नहीं। ज्ञान में तो ऐसे बच्चे हैं जो बाबा से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस बहुत रहती है, बहुतों से मिलते रहते हैं तो ज्ञान के पॉइंट्स पक्के होते रहते हैं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, यह भी नंबर वन में जाते हैं तो जरूर मेहनत भी करते होंगे। कौन? ब्रह्मा बाबा। तुम हमेशा ये समझो कि हमें शिव बाबा समझाए रहे, हमें समझाने वाला ब्रह्मा बाबा नहीं है। कौन समझाने वाला है? शिव बाबा समझाए रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की सोल तो अभी भी गुलजार दादी में जाकर के गुड नाइट करती है। सतगुरु की सवेरा उनके लिए जैसे अभी आया ही नहीं, उनकी बुद्धि में अभी ज्ञान का मूल पॉइंट नहीं बैठा। क्या गीता का भगवान कृष्ण नहीं है? अगर कृष्ण नहीं है तो फिर कौन है? शिव बाबा तो पहले से ही कहते चले आए, चित्र बनाए दिए, शिव ज्योति बिंदु शिवलिंग का चित्र बनाए दिया एक तरफ और दूसरी तरफ कृष्ण का चित्र बनाए दिया और पूछा जज करो गीता का भगवान कौन, ये शिवलिंग या कृष्ण? कृष्ण बच्चे के रूप में दिखाई दिया तो बच्चा क्या गीता का ज्ञान सुनाएगा? बच्चा गीतापति भगवान बनेगा? गीता माता है तो गीता माता का पति भी बच्चा होना चाहिए क्या? उन्होंने बच्चा बनाई दिया। किन्होंने? बच्चे को अगर गीता माता का पति बनाई दिया जाए तो इससे बड़ा पाप और क्या होगा? यही भारी भूल है, जिस भारी भूल के कारण
भारत का सत्यानाश हो गया। द्वापर के आदि में फिर भी चाल अच्छी थी। शास्त्रों में शुरू शुरुआत में गीता में कृष्ण का नाम नहीं था, बाद में कृष्ण के पुजारियों ने जो साकार उपासक थे उन्होंने कृष्ण का नाम जोड़ दिया और निराकार के प्रति श्रद्धा घटाई दी। तो भगवान जब कृष्ण हो गया तो लोग समझेंगे कि ज्ञान देने वाला कृष्ण ही होगा, परंतु बाप कहते हैं तुम हमेशा यह समझो कि शिव बाबा हमको समझाए रहे हैं, हमको समझाने वाला कोई कृष्ण बच्चा या ब्रह्मा की सोल नहीं है। तुम ऐसा समझेंगे तो तुम्हारा बुद्धि का योग बाबा की तरफ लगा रहेगा, नहीं तो क्या होगा, जो दीदी दादी दादाएं शरीर छोड़ते जाते हैं उनका बुद्धियोग कहां लगा रहता है, है? अरे ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं तो उनकी तरफ बुद्धि का योग लगा रहता है, उनकी बुद्धि में यही बैठा हुआ है कि गीता का साकार भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ही था, इसके अलावा कोई और वो ही नहीं सकता। ये भी सिखाते होंगे। सिखाते होंगे ये हमारे कौन, हाँ जब इनकी बुद्धि में बैठ जाएगा तो ये भी सिखाएंगे। अभी तो कृष्ण बच्चा पढ़ रहा है, एडवांस नॉलेज ले रहा है, ये नॉलेज भी जब पूरी हो जाए तब ये भी सिखाएंगे। फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। इसको समझाने के लिए चित्र भी देते हैं, इसको समझाने के लिए किसका चित्र दिया है, शिव बाबा का चित्र है क्या, त्रिमुख के चित्र में इशारा तो दिया है, त्रिमुख का चित्र लेकर के बैठ जाओ अथवा बैज लेकर के बैठ जाओ, किसी को समझाओ ये बाप है ये दादा है, तो त्रिमूर्ति के चित्र में कौन बाप है और कौन दादा है। तथाकथित ब्रह्मा कुमार तो बिंदी की तरफ इशारा करेंगे यह बाप है और ब्रह्मा की तरफ इशारा करेंगे यह दादा है, लेकिन नहीं, बाप दादा जब कहते हैं तो बाप बड़ा है और दादा छोटा है। बड़ा बड़ा किस आधार पर होता है, बड़ा बड़ा तब होता है जब कोई बड़ा काम करके दिखा। दादा ने उतना बड़ा काम नहीं किया होगा जितना बड़ा कार्य बाप ने करके दिखाया होगा। बाप और दादा दोनों में सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं। दादा है बड़ा भाई, 500 करोड़ पत्तों में पहला पत्ता बड़ा भाई, और सो पहले पत्ते को जन्म देने वाला कौन, बाप बीज। तो जो बीज है वो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाला है, और जो नई दुनिया बनती है उसमें कृष्ण की सोल जन्म लेकर के प्राप्ति करती है, युवराज बनती है, प्रिंस बनती है। बाप आते हैं तो इनकी भी महिमा करते हैं, और जो बाप है सारी सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का बाप, उसको भी महिमा बंद बनाते हैं। अच्छा
महिमा जो करते हैं तो महिमा की कुछ बात सुनाते होंगे ना। कहते हैं फलाना बहुत धनवान है, तो महिमा की या ग्लानी की? क्या किया? कोई धनवान होता है तो धनवान कब बनता है? आज की दुनिया की बात नहीं कर रहे, आज की दुनिया के तो लखपति करोड़पति झूठा धंधा करके बनते हैं, लेकिन जो सच्चे धनवान होते हैं, चाहे ज्ञान के धनवान हो चाहे स्थूल धन के धनवान हो, वो मेहनत करते हैं तो धनवान बनते हैं। चलो पूर्व जन्म में मेहनत की हो, पूर्व जन्म में बहुत मेहनत की होगी दान पुण्य करने की, तो अगले जन्म में ऑटोमेटिक वो धनवान बनते, तो ये भी महिमा हुई ना। कोई कोई धनवान होते हैं रिलीजियस माइंडेड भी होते हैं। 2 फरवरी 1967 की वाणी का दूसरा पेज। अब तुम तो ये जानते हो ऊंचते ऊंच तो भगवान है, धनवान ऊंचते ऊंच नहीं है, ऊंचते ऊंच भगवान है। कुबेर को ऊंचते ऊंच नहीं कहेंगे, क्यों? कुबेर बहुत धनवान माना जाता है लेकिन भगवान से ऊंचा नहीं माना जाता। ऊंचते ऊंच कहेंगे तो जरूर इस दुनिया की बात होगी या शांति धाम और सुख धाम की बात होगी। इस दुनिया में ही ऊंचते ऊंच और नीचते नीच होते हैं। कहते भी हैं बरोबर ऊंचते ऊंचे हैं, फिर बोलो उनकी बायोग्राफी तो बताओ। तो कह देते हैं वो सर्वव्यापी है। तो ऊंचते ऊंच भगवान ही कहा जाता है और वो निराकार को कहा जाता है, है? निराकार और वो ऊंचते ऊंच सब आत्माएं कैसी है, निराकार है या साकार है? तो आत्माएं सब निराकार है तो सब ऊंचते ऊंच हो गई। इसमें निराकार स्थिति निराकार का मतलब जब ऊंचते ऊंच निराकार कहा जाता है तो उससे साबित होता है कि उसने निराकारी स्टेज में रह करके जरूर कोई ऊंचा कार्य किया है। देवान की स्टेज में रह करके वो ऊंचा कार्य नहीं हो सकता, वो आकर के शरीर धारण करते हैं, है तो निराकार फिर भी शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब भाई भाई हैं, सब आत्माएं भाई भाई हैं, अभी इस शरीर में विराजमान है। क्या कहा? है तो भाई भाई लेकिन वो आत्माएं जो निराकार है वो सब शरीर में विराजमान है और सब अकाल मूर्त है। क्या बिंदु बिंदु आत्माएं उनको कोई काल खाता है क्या? सब अकाल मूर्त है। जब सब आत्माएं अकाल मूर्त है तो फिर एक को क्यों कहा जाता है कालों का काल महाकाल अकाल मूर्त है? इससे क्या साबित हुआ? भल सब आत्माएं ज्योति बिंदु है, निराकार है, अविनाशी है, उनका कभी विनाश नहीं होता, उनको कभी काल नहीं खाता, काल शरीर को खाता है, लेकिन वो निराकार जो एक कहा जाता है अकाल मूर्त, वो जिस शरीर में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उसको दुनिया में कोई काल को खाते हुए देखता नहीं, इसलिए वो कालों का काल महाकाल कहा जाता है। सारी दुनिया को काल खा जाएगा परंतु उसको कोई भी काल को खाते हुए देख नहीं सकेगा। ये अकाल मूर्त का तख्त है। अकाल तत्व कोई और खास चीज नहीं होती है,
खास चीज नहीं होती। ये अकाल मूर्त का तख्त है, इसके अलावा और कोई खास चीज नहीं होती है। अकाल मूर्त का तख्त, ये तख्त है अकाल मूर्त का, अकाल मूर्त का अकाल तख्त। आत्मा तो सब अकाल है, कितनी अति सूक्ष्म बातें हैं। बाप है वो भी निराकार, अब वो अपना तख्त कहां से लावेंगे? निराकार बाप अपना तख्त कहां से लावेंगे? बाप कहते हैं मेरा भी यह तख्त है। क्या ऐसे नहीं कि तुम्हारी आत्मा का ही तख्त है? मेरा भी यह तख्त है। यह तख्त कहके किस तरफ इशारा किया है? ब्रह्मा की तरफ, ब्रह्मा की तरफ कहे तो ये तख्त है तो वो अकाल मूर्त है, उसको तो काल काल खा गया, तो यह तख्त है ये कहके किस तरफ इशारा किया? जिसको इमर्ज करके बोलते हैं उसकी तरफ इशारा किया, मेरा भी अकाल तख्त यह है। मैं आकर के इस तख्त का भी लोन लेता हूं। अब किसके लिए कहा? ब्रह्मा के लिए। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में आकर के बैठता हूं ना। अब तुम जान गए हो सब आत्माओं का ये तख्त है। मनुष्यों की बात की जाती है, कोई जानवरों की तो बात नहीं है। पहले मनुष्य है जो जानवरों से भी बदतर हो गए हैं, वो तो सुधर जाए, किसको सुनावेंगे ज्ञान? क्या जानवरों के तख्त पर आकर के बैठ विराजमान होंगे? भक्ति मार्ग में तो जानवरों के अवतार भी दिखाई दिए, तो क्या भगवान जानवरों को सुधारने के लिए आता है? जानवरों को सुधारने के लिए तो नहीं आता होगा, किसको सुधारने के लिए आता है? जो जानवरों से भी बदतर बन जाते हैं उनको आकर के सुधारता हूं, और उनको आकर से आकर के बंदरों से मंदिर लायक बनाता हूं। तो मनुष्य तो पहले सुधरे। कोई जानवरों की बात पूछे तो पहले कहो अपना तो सुधार कर लो, जानवरों की चिंता बाद में करना। सत्युग में जानवर भी बड़े अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास होते, उनमें कीचड़ आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कीचड़ आदि पड़ जावे तो दंड डाल देवे, जरा भी कीचड़ महल के अंदर हो नहीं सकता। क्या कौन सा महल है जो संगठन रूपी महल बनेगा राजाओं का? उन संगठन रूपी महलों में कोई कीचड़ा विचार का नहीं डाल सकता, वहां बहुत खबरदारी रहती है। कहां? उस राजाओं के संगठन रूपी महल में बहुत खबरदारी रहती है। पहरे पर सदैव कोई न कोई बना रहता है, तब कोई जानवर आदि अंदर घुस न सके। जानवरों के लिए पहरा लगाया जाता है। जो जानवर बुद्धि मनुष्य हैं, जो जानवरों की तरह बुद्धि चलाने वाले हैं, ऐसे जानवर बुद्धि वहां प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए बोला तुम पांडवों का किला भी ऐसा बन जाएगा जो कोई भी उसमें पांव भी रख नहीं सकेगा, अंदर आ न सके, बहुत सफाई रहती। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितनी सफाई रहती, शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं।
ये क्या बात हुई? राजाओं के मंदिर में कोई जानवर घुस न सके। मंदिर माने घर, महल, अपना परिवार, घर परिवार, उसमें कोई जानवर बुद्धि प्रवेश नहीं कर सकता। और जो राजा बनाने वाला है कौन? शंकर पार्वती। जो राजा, राजाओं का राजा बनाने वाले हैं, उनके मंदिर में क्या होता है? उनके मंदिर में कबूतर रहते हैं। वो कबूतर क्या करते हैं? उनको ज्ञान की कंठी होती है क्या? ज्ञान सुनने सुनाने के लिए वहां बैठे हुए हैं क्या? हैं? नहीं, काहे के लिए बैठे हैं? हाँ, वो ऊपर कचरा डालते रहते हैं। है कहाँ की बात है? इस बात को सुन के गुरु लोग नाराज हो जाते। क्या सुन के? बोला, शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर दिखाते हैं। हाँ, कबूतर भी दो प्रकार के होते हैं, एक काले कबूतर और एक सफेद कबूतर। गंध तो दोनों करते होंगे, चाहे सफेद हो चाहे काले हो। कबूतर होंगे तो कचरा जरूर करते होंगे। अब देखो, शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिखती है। अरे, दंत कथाएं लिखती हैं तो बोलते काहे के लिए? जरूर कोई खास बात है ना? क्या खास बात हुई? कि शिव बाबा जब आते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया बनाते हैं, तो उस ब्राह्मणों की दुनिया में नौकुरी के ब्राह्मण होते हैं, सब श्रेष्ठ नहीं होते, कोई भ्रष्टपुरी वाले भी होते। श्रेष्ठ पुरी का एक ही होता है जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, तो वो तो यज्ञ के आदि में ही छोड़ करके चले गए। कौन? सूर्यवंशी चले गए। बाकी क्या बचे? बाकी बचे चंद्रवंशी, और चंद्रमा की गोद में पलने वाले इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, जो भी दूसरे धर्म के विदेशी विधर्मी आत्माएं थी, वो यज्ञ के आदि से लेकर के अब तक भी उनकी रहबरी में पल रही है। तो जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली है, ब्राह्मण हैं कच्चे पक्के, वो ब्राह्मण बन करके ब्रह्मा के मंदिर में विराजमान होंगे, तो वो क्या करेंगे? निर्विकारी बनेंगे या 63 जन्मों के अपने हिसाब किताब के अनुसार मंदिर में भी गंध करते रहेंगे? पहले निर्विकारी कौन बनेंगे? सूर्यवंशी बनेंगे या इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन बनेंगे? सूर्यवंशी पहले निर्विकारी बनते हैं, और बाकी जो है वो सब गंध करते रहते। हाँ, सूर्यवंशी थोड़े समय के लिए आते हैं, जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि कंठी वाले तोते भी मंदिर में आ गए। शंकर जी कथा सुनाए रहे थे और कबूतर बैठे हूं 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 आवाज कर रहे थे, तो शंकर जी ने सुना, हाँ ये कथा सुनते हो, बोले वाले तो है ही कौन? कबूतर नहीं, शिव बाबा। तो वो घूम घूम की आवाज सुन के उन्होंने समझा कि पार्वती बड़े ध्यान से कथा सुन रही। तो कबूतर गंध भी करते रहते हैं, कथा वथा तो कुछ सुनते नहीं, आवाज करते हैं। और तोते कोई अंदर बैठ करके आवाज नहीं करते हैं, वो थोड़ी कथा सुनते हैं और बाहर जाकर के बहुत आवाज कर देते हैं ज्ञान की, चारों तरफ ज्ञान की आवाज करते हैं। तो उनको ज्ञान की कंठी दिखाई गई। तो देखो, शास्त्रों में कैसी दंत कथाएं लगाई गई। अब जानवर पक्षियों की तो बात है ही नहीं, बाप बैठे बच्चों को ये बातें समझाते हैं,
उनमें भी बहुत थोड़े हैं इनमें बच्चों में जो इन बातों को धारण कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं समझते, पिछाड़ी तक भी मूर्ख के मूर्ख ही रह जाते हैं। बाप कितना समझाते हैं बहुत मीठा बनो, मुख से सदैव रतन निकालने चाहिए, तुम्हारा नाम ही रखा है रूप बसंत, क्या नाम रखा है, है? किसका नाम रखा है, है? किसका नाम रखा है रूप और किसका नाम रखा है बसंत, है? राजा रानी का दादियों का नाम रूप बसंत रखा है। अच्छा, जब मुरली चलाते थे तो शिव बाबा तुम किससे कहते थे, सामने बच्चे, कोई बच्चे हैं जिनको हेमाजी करके बोलते थे, तुम्हारा नाम ही रखा है रूप बसंत, रूप माना याद में रहने से अवस्था कैसी बन जाती है, श्याम या सुंदर, सुंदर अवस्था बन जाती है, उसको कहा जाता है रूप। क्या जो भी रूपवान होते हैं गोरे चिट्ठे होते हैं दुनियावी तरीके से उनको कहा जाता है यूरोपवासी यादव। क्या कहते हैं, यूरोपवासी यादव, और ज्ञान की भाषा में यादवों का हेड कौन दिखाया है, यादवों का हेड दिखाया है शंकर को, और भक्ति मार्ग में भी यादवों का हेड किसको बताया है, कृष्ण को, दोनों को ही कहते हैं, कृष्ण के लिए टाइटल देते हैं श्याम और सुंदर, कौन टाइटल देते हैं, भगत देते हैं या शिव बाबा देते हैं, कौन टाइटल देते हैं, शिव बाबा देते हैं श्याम सुंदर टाइटल, एक व्यक्ति को देते हैं या दो व्यक्तियों को देते हैं, व्यक्ति तो एक ही है, भक्ति मार्ग में उसको श्याम सुंदर कहते हैं, श्याम क्यों कहते हैं भक्ति मार्ग में, काला क्यों दिखाई दिया, ऐसे नहीं कि कृष्ण को ही काला दिखाया है, राम को भी काला दिखाई देते हैं, राम फेल हो गया इसलिए काला दिखाई दिया। अच्छा, फेल होने से कोई बचता है, 500 700 करोड़ की जो भी मनुष्यों की दुनिया है उसमें फेल होने से कोई बचता है, माया किसी को छोड़ती है, माया किसी को नहीं छोड़ती, सत्युग में आने वाली एक भी ऐसी आत्मा नहीं है, पहला पत्ता कृष्ण से लेकर के और 2 करोड़ मनुष्य देव आत्माओं तक, जो त्रेता में जाके चंद्रवंशी न बनती हो तो चंद्रवंशी बनना माना माया, माया फेल कर देती है, किसी को पहले फेल करती है और किसी को बाद में फेल करती है, तो पहले फेल होना अच्छा या बाद में फेल होना अच्छा, जब फाइनल रिजल्ट निकले पहले फेल होना तो फिर भी अच्छा है, 3 मास की परीक्षा होती है 6 मास की परीक्षा होती है, उसमें फेल हो जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन फाइनल में अगर फेल हो गया अच्छा तो बहुत बुरा माना जाता है। तो पढ़ाई चल रही है ईश्वर की, ईश्वर की पढ़ाई इस जन्म में चलती है या सतयुग के अगले जन्म में चलेगी, इस जन्म में चलती है, इस जन्म में पढ़ाई पढ़ते पढ़ते जब बाप आकर के गुड मॉर्निंग करते हैं और गुड मॉर्निंग करने के बाद जब पढ़ाई पढ़ाते हैं तो फेल नहीं होना चाहिए,
आज में तो बाप आया ही नहीं था और गुड मॉर्निंग भी नहीं की थी। आज में तो भक्ति मार्ग की, जैसे भक्ति मार्ग की चलन होती है ऐसी चलन सब चल रहे थे। ओम ओम का उच्चारण करते रहते थे जैसे भगत लोग राम राम का उच्चारण करते रहते, संस्कृत की गीता के बैठ करके अर्थ सुनाते थे। तो आदि में था भक्ति का फाउंडेशन। मुरली में गुड मॉर्निंग करते, लेकिन गुड मॉर्निंग होती है जब पाप आते हैं। तो मुरली में आए तो गुड मॉर्निंग हुई या सनसेट पॉइंट की यादगार बनी? सनसेट पॉइंट की यादगार बन गई। माउंट आबू है पश्चिम में, भारत के पश्चिम में है माउंट आबू और सिंध हैदराबाद, और पूरब में है कलकत्ता, ईस्टर्न जोन। सूरज कहां से निकलता होगा? पूरब से निकलता है, इसलिए जापान के लोग आज भी कहते हैं हम सूर्यवंशी हैं। तो तुम्हारा नाम रखा है रूप बसंत, रूप और बसंत। रूप माना याद की स्टेज में, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, कितने रूपवान दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि परमधाम से डायरेक्ट आत्मा आती है और योग युक्त स्टेज में आती है। संगम युग में उन्होंने जो योग युक्त स्टेज बनाई थी वो निराकारी स्टेज लेकर के आती है। अंतमते सो गते, वो गति लेकर के आती है। तो कितनी आत्माएं उनकी तरफ आकर्षित होती है, किनकी तरफ? क्राइस्ट की तरफ। 100-150 क्रिश्चियंस उनके फॉलोअर्स बन गए। ऐसे ही इब्राहिम, ऐसे ही गुरु नानक, ऐसे ही महात्मा बुद्ध। तो वो तो बाप थे, धर्म पिताएं थे, वो हद के थे। ये तो 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य सृष्टि है, जो भी धर्म के हैं, जो भी देश के हैं, उन सब देशों के बच्चों का बाप आया हुआ है। हर धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं का भी बाप आया हुआ है। तो उसका नाम रखा है शास्त्रों में श्याम सुंदर। वो जितना काला बनता है इतना और कोई भी काला नहीं बनता। जितना काला पार्ट बजाता है उतना और कोई भी काला पार्ट बजा नहीं सकता। और वो ही इतना सुंदर बनता है कि इतना सुंदर कोई भी धर्म पिता नहीं बन सकता। इसलिए वो रूप भी है। और रूप पहले या बसंत पहले? जब नाम लिया जाता है रूप बसंत, तो पहले रूप और बाद में बसंत। माने जोड़ी है रूप बसंत की, कोई कथा बनाई हुई है। रूप माना राम वाली आत्मा, और बसंत माने कृष्ण जो विष्णु का पार्ट अदा करता है, या वैष्णवी देवी गुणों की खान। जैसे फूलों में से सुगंध निकलती है, ऐसे दिव्य गुणों की खुशबुआ निकलती रहती है। तो तुम हो रूप बसंत, ये वास्तव में आत्मा की ही महिमा है, कोई शरीर की महिमा नहीं है। आत्मा सत्व प्रधान बनती है
तो रूप बसंत का टाइटल लेती है। आत्मा कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं फलाना हूं, मेरे शरीर का नाम ये है। अच्छा, शरीर का नाम तो ये है, परंतु शरीर में जो आत्मा काम करने वाली है वो आत्मा किसका बच्चा है? कहेंगे एक परमात्मा बाप की सब आत्माएं बच्चे हैं, तो जरूर उन आत्माओं को भी वर्षा देने वाला कोई होगा ना, आत्माओं का भी तो कोई बाप होगा ना, परंतु आत्माएं तो अविनाशी है, आत्माएं तो क्रिएट नहीं की जाती, शरीर तो क्रिएट किया जाता है। बाप बच्चे के शरीर को क्रिएट करता है, जन्म देता है, फिर आत्माओं का जो बाप है वो क्रिएट कैसे करता है? आत्माएं तो अविनाशी है, उनका विनाश कभी होता नहीं, जो चीज क्रिएट करी जाती है वो तो पहले होती नहीं। बच्चा पैदा होता है मां बाप को, पहले बच्चा तो था नहीं, फिर बच्चा क्रिएट हुआ, ऐसे नहीं उस बच्चे की आत्मा को क्रिएट किया, नहीं उसकी देह को जन्म दिया, आत्मा तो उसमें प्रवेश कर जाती है। तो आत्मा को जो वर्षा मिलता है वो कौन से क्रिएटर से मिलता है? आत्माओं का बाप होता नहीं क्रिएट करने वाला, आत्मा अविनाशी, आत्माओं का बाप भी अविनाशी, तो वर्षा देने वाला कैसे हुआ? आत्मा क्रिएट नहीं की जाती है, लेकिन जब तक आत्मा का बाप आकर के आत्मा को परिचय न दे तब तक आत्मा को अपने स्वरूप की पहचान नहीं होती है, इसलिए वो आत्माओं का बाप कहा जाता है। माने ज्ञान क्रिएट करता है, आत्मा को क्रिएट नहीं करता है, तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा। जिस बाप से वर्षा मिलता है वो बाप फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? सर्वव्यापी माना अनेक बाप हो गए, तो अनेक बापों से वर्षा मिलेगा क्या? गाते भी है ऊंचे के ऊंचे है, फिर उनको ठिक्कर बित्तर में ठोक देते, कितनी ग्लानी करते हैं, बाप की ग्लानी करते करते पत्थर बुद्धि बन गए। तुम समझते हो पत्थर बुद्धि बनने वालों में अब्बल नाम किसका गाया हुआ है? 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 बोलो, पत्थर बुद्धि बनने वालों में पहला नंबर नाम किसका गाया हुआ है? अहिल्या का। तो अहिल्या क्या ग्लानी करती होगी बाप की और दूसरों से करवाती भी होगी। जो भी अहिल्या के फॉलोअर्स होंगे उन सबसे अहिल्या जो है वो ग्लानी का काम करवाती होगी ना। तो बाप कहते हैं कितने पत्थर बुद्धि बन गए, तुम समझते हो, हम तो आगे कुछ भी नहीं जानते थे कि अहिल्या किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जो भगवान की सभा में अहि माने सर्प ले आ, जो विकारी सर्प होते हैं ना उन विकारी सर्पों को जानबूझ करके पकड़ के ले आती। बाप कहते हैं मेरे सामने विकारियों को आने नहीं देना। अरे विकारी तो सभी है, अभी देवता कौन बन गया? देवता तो नहीं बन गया, लेकिन कोई जो सच्चे होते हैं ज्ञान में आने के बाद ये अंजाम तो करते हैं क्या?
हम जीवन भर पवित्र रहेंगे। अब हम विकारों का भोग नहीं करेंगे। हिम्मत तो करते हैं, तो हिम्मत करेंगे तो उनको बाप की मदद मिलती है। बाकी जो हिम्मत ही ना करे, विकारी का विकारी ही रह जाए। सभा में इसलिए आकर के बैठते हैं कि देखें ये भगवान है तो हमें पहचानता है कि नहीं, इनको पता पड़ता है कि नहीं कि मैं विकारी हूं या निर्विकारी। तो बाप कहते हैं मुझे क्या ये जानने की जरूरत, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। बाकी जो विकारियों को विकारी समझते हैं फिर भी बाप की सभा में ला करके बैठा देते हैं, तो बाप कहते हैं वो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है, तुम कोई भी मंदिर में जावेंगे, मंदिरों में जो चित्र रखे हुए हैं तुम कहेंगे ये तो सब चित्र झूठे हैं। दस भुजाओं वाला, हाथी की सूंड वाला, ऐसा कोई देवता होता है क्या? कितने पत्थर बुद्धि बन गए, ये सब झूठी बातें। वो तो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। अरे भक्ति मार्ग की सामग्री तो है, फिर बाबा क्यों बोलते हैं? बोलते हैं माने हमारी बुद्धि उकसाने के लिए बोल रहे हैं, इशारा देते हैं कि भगवान के मुख से जिन शब्दों का, जिन बातों का, शास्त्रों की बातों का उच्चारण होता है उन बातों में जरूर सार भरा हुआ है, उन सार की बातों में से सार निकालना चाहिए। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबका सदगति दाता है, है? वास्तव में शिव बाबा की भक्ति होनी चाहिए। और जो दूसरों की भक्ति होती है वो अवास्तविक, अवास्तविक भक्ति है, भक्ति है क्या वो? वास्तविक भक्ति नहीं है क्या? भक्ति भावना श्रद्धा विश्वास किसको अर्पण करना चाहिए? ऊंचे ऊंचे एक बाप को अर्पण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि भगत जी ने हनुमान की पूजा की, हनुमान ने राम की पूजा की, राम ने शिव की पूजा, शंकर की पूजा की और शंकर ने भगवान को याद किया। तो वास्तव में किसके प्रति श्रद्धा विश्वास अर्पण करना चाहिए? जो ऊंचते ऊंचे है उसी को पकड़ना चाहिए ना। इसलिए बोला कि वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो कि सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि ये लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेकर के दुर्गति को पाए हैं? क्यों ये लक्ष्मी नारायण जिनको शिव बाबा ने नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाया, वो उनकी दुर्गति कैसे हो गई? कारण क्या हुआ? अरे कोई कारण होगा ना। अगर शिव बाबा ना आते तो ये भी सदगति को ना पाते। कौन? ये लक्ष्मी नारायण। ऊंचे से ऊंचे बाप ही आकर के सबको सदगति देते हैं, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। बड़ा और छोटा किस दुनिया में होता है? साकार दुनिया में बड़ा और छोटा होता है। तो साकार दुनिया में कौन है जो ऊंचे ऊंच माना गया है, जिसकी सबसे जास्ती भक्ति होती है? कोई है चित्र ऐसा? नहीं है। और जो 33 करोड़ देवताएं हैं
उनके उतने मंदिर और भक्ति और उनकी मूर्तियां नहीं बनती हैं, उतनी पूजा नहीं होती जितनी शिवलिंग की होती। कोई कहेंगे शिवलिंग ये तो निराकार है, नहीं, शिवलिंग जो है उसमें बिंदु निराकार है। जैसे सोमनाथ के मंदिर में हीरा रखा हुआ था बिंदु की यादगार, तो वो निराकार ज्योति बिंदु की यादगार है। और जिस लाल पत्थर में वो हीरा जड़ा हुआ था वो लिंगाकार पत्थर है, साकार की यादगार। तो साकार और निराकार दोनों की प्रवृत्ति का मेल है। हम हैं ही प्रवृत्ति मार्ग के पुजारी, द्वापर युग के आदि से ही ये प्रवृत्ति मार्ग की पूजा का फाउंडेशन पड़ गया था। इन ज्ञान की बातों का तुम्हारे में भी नंबरवार है धारणा होती है, धारणा नहीं कर सकते हैं तो बाकी क्या काम के। थोड़ी बहुत सर्विस करते थे, वहां से आ गए तो गोया कुछ भी नहीं करते। जो थोड़ी बहुत उन्नति होती थी वो भी खत्म हो गई। अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे ही बन जाते। जो गायें दूध नहीं देती है उनको फिर पिंजरा में रखते हैं, इसलिए उस घर में कटाने के लिए। किन गौओं की बात हो रही है, हैं? जानवर गौओं की बात कर रहे हैं? नहीं, कृष्ण के बाड़े में जो गौएं दिखाई जाती हैं, उन गौओं में अगर कोई ऐसी गौएं हैं जो दूसरों को ज्ञान नहीं सुना सकती, ज्ञान की बातें धारण नहीं कर सकती, आपस में ही एक दूसरे में उनका लगाव लग जाता है, देह का लगाव लगता है, वातावरण खराब करती रहती है, तो वो गौएं फिर पियर घर में माना कोस घर में रखी जाती है कटाने के लिए। उनका क्या अंजाम होना है, क्या अंजाम होना है? कसाई उनको काटेंगे। तो क्या करना चाहिए? बाप के घर में, बाप के बाड़े में, कृष्ण के बाड़े में जो गौएं रहती हैं, उनका काम है ज्ञान लेना और दूसरों को ज्ञान सुनाना। ज्ञान के अलावा और कोई दूसरा वातावरण न बनने पाए। अगर दूसरे प्रकार का कोई वातावरण बनता है, विकारियों से लागत होती है और विकारियों को उठा करके बाबा की सभा में लेकर के आती है, तो फिर उनको कसाई बैठ करके काटेंगे। जो ज्ञान का दूध नहीं दे सकती उनका ये हाल होता है। देखो अहमदाबाद में कला है, उस गऊ का नाम बताया, अहमदाबाद में कला है, आगे बॉम्बे में थी, उनको रूहानी सर्विस करने का चांस मिलता नहीं था। कहां? बॉम्बे में। कहती थी सर्विस करने के बिना हमको लज्जा आती है। अभी देखो अहमदाबाद में उनको चांस मिला है, अहमदाबाद में सर्विस का चांस मिला है, तो देखो कितनी खुश है। कॉन्सेशन की बात, अरे मुरली की तारीख ही भूल गए, 67 की वाणी, सब उनकी महिमा करते हैं। तो अब जैसे गौशाला वाली गऊ बन गई है, बहुत है जो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। क्या बाबा कहते हैं जो सरेंडर्ड है वो कितने घंटे पुरुषार्थ करे, हैं? 16 घंटे पुरुषार्थ करें,
और जो सरेंडर्ड नहीं है, धंधा धोरी करते हैं, वो कितने घंटे पुरुषार्थ करे? 8 घंटे पुरुषार्थ करे। तो दोनों को इक्वल वर्षा मिल जाएगा। अगर सच्चाई से करे तो समझते कुछ भी नहीं है कि हम कुछ तो किसी का कल्याण करें। अरे किसी और का कल्याण तो बाद में करेंगे, अपनी ही तकदीर का ख्याल नहीं रहता है, इतने मस्ती में आ जाते हैं। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में ही नहीं है, अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचे ऊंचे है और आते देखो कैसी पतित दुनिया में है। पतित दुनिया में आते हैं और पतित शरीर में आते हैं। कैसी पतित दुनिया में आते हैं? अरे कैसी पतित दुनिया कह के किस तरफ इशारा किया? नहीं आया बुद्धि में? कायमगंज तालुका, कैसा तालुका? जहां सृष्टि के अंत होने तक गंध कायम ही रहता है, ऐसे गंदे इलाके में। वहां जो भी संकल्पों की ट्रेन चलने वाली लाइन है ना, उसमें जितनी भी स्टेशन है सबका नाम गंध ही गंध। काश गंध, डोवारे गंध, दरियाओ गंध, खुदा गंध, गुरु सहाय गंध, गुरु जी की सहायता करने वाली गंध, सारा ही गंध का इलाका। ऐसे स्थान में बाप आते हैं, कितनी पतित दुनिया में आते हैं। तथाकथित ब्राह्मण क्या कहेंगे? वो क्या कहते हैं? कहां आते हैं? माउंट आबू। वो क्या कहते हैं? माउंट आबू में है। हाँ हाँ, बदबू का पहाड़ जहां आकर के इकट्ठा हो जाए, आबू। तो वो भी ठीक है ना? ठीक कैसे है? ठीक कैसे है? माउंट आबू में तो 50-51 में आए, और शिव बाबा ने तो ब्रह्मा में कराची से ही प्रवेश करना शुरू कर दिया था। तो कराची कहना चाहिए या माउंट आबू कहना चाहिए? कराची कहना चाहिए। लेकिन कराची में जिस तन में आया वो अम्मा था, अम्मा थी या बाप था? अम्मा पतित को पावन बनाती है या बाप पतितों को पावन बनाता है? बाप बनाता है। तो बाप कहाँ आया? न कराची में आया, न माउंट आबू में आया। पतित दुनिया में आते हैं, कैसी पतित दुनिया में आते हैं? पतित शरीर में आते हैं, उनको बुलाते हैं पतित दुनिया में। जब रावण दुख देते हैं तो बुलाते हैं। रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट बुद्धि कर देता है। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो राजा रानी बन जाते हैं, और जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वो राजा रानी आए थे बनने के लिए और ही दास दासी बन करके रह जाते हैं। मान लो कोई सरेंडर हुआ और सरेंडर होने के बाद जो बाप बोलते हैं कि भगवान भी आ जाए तो भी हम नहीं सुधर सकते। बाप के घर में भी कबूतरों जैसा गंध गंध छोड़ने का काम करते हैं, गंध ही गंध डालते रहते हैं, ज्ञान सुनने सुनाने की बात ही नहीं। तो उनकी बुद्धि
वो ताला लग जाता है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो राजा रानी बन जाते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर नहीं कर सकते। कोई तो ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तकदीर बनाए देते हैं, हर एक अपन को देख सकते हैं हम सर्विस करते हैं या डिसर्विस करते हैं। सर्विस करनी चाहिए दुनिया की, बजाय दुनिया की सर्विस करने के और अपने बाप के घर की ही डिसर्विस करते हैं, बाप के घर का ही वायुमंडल बिगाड़ते रहते हैं। तो अंत में जो माया की परीक्षाएं होंगी, प्रकृति की परीक्षाएं होंगी, सरकार की ओर से परीक्षाएं होंगी, दुनिया वालों की तरफ से परीक्षाएं होंगी, शरीर के हिसाब किताब की परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं के बीच वो डट सकेंगे। उस समय बाप तो सर्विसेबल बच्चों को याद करेंगे या डिसर्विस बच्चों को याद करेंगे? सर्विसेबल बच्चों को याद करेंगे, तो वो तो थम जाएंगे। और जो डिसर्विस करने वाले हैं वो क्या हाल होगा उनका? सरेंडर तो हुए, बाप ने सरेंडर तो कर लिया, लेकिन फिर उनका अंत में हाल क्या होगा? भाग जावेंगे, ठहर नहीं सकेंगे। और जब बाहर की दुनिया में जावेंगे तो राजघराने के दास दासी बनेंगे या प्रजावर्ग में जाकर के दास दासी बनेंगे? प्रजावर्ग में जाकर के दास दासी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी 16,000 की लिस्ट में आने से तो अच्छा है अहुकार बने प्रजा में। साहूकारों के घरों में भी ढेर सारी दास दासियां होती हैं, बहुत मेलमारियां अटारियां होती हैं, बहुत सुखी रहती है। अच्छा ओम।